Now, 10th
C1. A cube root of 1 CC1 is equal to होता है 11. ठीक है? 12 का cube होता है 1728. ठीक है? A cube root of 1728 is equal to होता है 12. ठीक है? मैं आप लोगों को cube root सिर्फ यही तक ही करा रही हूँ. Square root में 20 तो पता होना चाहिए. Minimum अगर आप लोग 12 तक अगर अपना आप लोगों को cube root याद है, तो आप लोगों का काम चल जाएगा. और अगर उससे ज्यादा भी है आपको कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई बस करना है, वो तो हमें मेथड पता है कि क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं. तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ. 1 का क्यूब 1 और क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होगा 1. 2 का क्यूब होता है 8. 3 का क्यूब होता है 27. 4 का क्यूब होता है 64. 5 का क्यूब होगा 125. 6 का क्यूब 216. 7 का क्यूब होता है 343. 8 का क्यूब होता है 512. 9 का क्यूब होता है 729. 10 का क्यूब होता है 1000. 11 का क्यूब होता है 1331. और 12 का क्यूब होता है 1728. आप लोगों को क्लियर हुआ कि क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं. अगर आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगी क्यूब और क्यूब रूट का. ठीक है? आप देख रहे होंगे जो भी ऑड नंबर है, ठीक है, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन से हम ये देख पा रहे हैं कि जो 1 का क्यूब है वो क्या कर रहे हैं 1. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ऑड नंबर के जो क्यूब्स होते हैं वो ऑड आते हैं, जैसे कि 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब क्या आ रहा है, सॉरी 3 का क्यूब 27 है ना, और 5 का क्यूब 125. तो ऑड नंबर के क्यूब्स हमेशा ऑड होंगे और इवन नंबर के क्यूब्स हमेशा इवन होंगे. जैसे कि आप इवन देखो, इवन में जैसे 2 का क्यूब क्या है 8 है, 4 का क्यूब क्या है 64 है, 6 का क्यूब क्या है 216 है ना. मतलब इवन नंबर आपको मिल रहा है तो इवन का क्यूब इवन होगा और ऑड का क्यूब ऑड होगा. सिंपल. क्यूब रूट और क्यूब इज नथिंग. क्यूब मतलब क्या, उस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करना है. और क्यूब रूट निकालने का प्रोसेस है वही हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड और गुणनखंड विधि. हम देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है. घन के अवसर में तो हम सीख जाते हैं कि उस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा उसका क्यूब या फिर घन. आइए देखते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं. घनमूल निकालने के लिए आपको सपोज कोई नंबर दिया हुआ है, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है. ठीक है? घनमूल निकालना है तो क्या करोगे आप, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं. मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको 5 से स्टार्ट कर रही हूँ. हमेशा आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जो भी नंबर है उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो उसको हम लोग प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है? तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर वो नंबर जो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये 2 से तो हो नहीं पाएगा. ठीक है? 3 से आप प्राइम कर रहे हैं, वैसे चेक कर सकते हैं 4 + 2 = 6. ठीक है? 3 से डिवाइड, अगर आपको कोई नंबर 3 से डिवाइड करना है तो उसके नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए. अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है? जैसे कि 4 + 2 = 6 हो गया. ठीक है? 6 + 8 = 40 और 40 + 7 = 21 और 21 + 5 = 26. 26 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है? ये मैंने किया इसको 5 से डिवाइड. 5 = 40, यहाँ पे 2 बचा, 5 = 25, 3 बचा, 5 = 35. ठीक है? 2 बचा और 5 = 25. क्लियर? अब फिर से मैं इसे 5 से करती हूँ तो ये कितने बार होगा, 5 × 5 = 3, 5 × 7 = 35, 5 × 5 और ये 2 × 5 कितना हुआ, 5 × 5 = 25. फिर मैं इसे 5 से करती हूँ तो 5 × 3 = 50, 2 बचा, 5 × 4 = 20 और ये 5 × 3 = 50. ठीक है? तो 343. जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 7 जो है, ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343. तो मैं इसे 7 से ही वो क्यों ना कर दूं, तो 7 × 4 = 7 होता है. ठीक है? 7 × 4 = 28. बचा इसमें कितना, 6 और 3, अभी 7 × 9 = 63. ये क्या होगा, 7 से और
is 1 times 3. So, आप इसके factors देखते हैं, 555 और 777. जब हम इसको लिखते हैं, इसके क्या क्या factors हैं? 5 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7. कभी भी cube roots निकालने के लिए ये necessary है कि इसके तीन जोड़े बने, triplets बने. ठीक है, तो यहाँ पे 5 का एक ट्रिपलेट बना और 7 का एक ट्रिपलेट बना, तो ये क्या होगा, 5 × 7 मतलब कि 7 × 5 = 35. तो ये किसका क्यूब रूट है बच्चों? ये जो 4 × 8 = 75 है वो किसका क्यूब रूट है? वो है 35 का क्यूब रूट. क्लियर हुआ आप लोगों को? अब सिमिलरली हम ये क्वेश्चन में ट्राई करेंगे. 9261 क्या ये? देखो 9 + 6 = 8 + 1 = 9. ये 3 से डिविजिबल है. ठीक है, तो मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ. 3 × 3 = 9. ठीक है, और 3 × 8 = 24 है ना, ये 0 आएगा बीच में. ठीक है, और 3 × 8 = 24. ठीक है, 2 बचा और 3 × 7 = 21. ठीक है, क्या ये अब फिर से होगा? हाँ, ये भी फिर से 3 से हो जाएगा. 3 × 10 = 30. ठीक है, और ये 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 27. ठीक है, फिर ये 3 से हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. 3 × 3 = 9, 1 × 3 = 4 और 3 × 3 = 9. ठीक है, अब ये फिर 7 से कर देंगे हम लोग. ठीक है, 7 से ये हम लोगों ने देखा था 49 था. ठीक, फिर ये 7 से, फिर ये 7, फिर ये 1 बार में. क्लियर? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसका फैक्टर लिखेंगे. 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7. आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्यूब रूट बनाने के लिए हमेशा जैसे स्क्वायर रूट हम बनाते हैं तो उसके लिए डबल डबल जो पेयर बनना रहता है, पेयर बनना चाहिए. तो यहाँ पे क्या, ट्रिपलेट्स बनना चाहिए, मतलब कि 3 का एक पेयर बनना चाहिए. तो 3 का एक पेयर बना और यहाँ पे क्या हुआ, 7 का ट्रिपलेट बना. ठीक है, मतलब 3 का बंच बनना चाहिए. तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 3 × 7. तो आंसर क्या आया, 21. तो आप लोगों ने देखा ये कितना इजी है कि 9261 का क्यूब रूट क्या है. अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्यूब रूट ऑफ 9261 इज व्हाट, तो आंसर इज 21. क्लियर हुआ आप लोगों को? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, फैक्टराइजेशन करना है. 3 का ट्रिपलेट बनाना है. 3 का ट्रिपलेट बनाने के बाद देखो, ये 3 का एक पेयर बना तो एक सिंगल 5 लिखूंगी, ये 3 का एक पेयर बना तो मैं एक सिंगल 7 लिखूंगी, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी, 7 × 5 = 35. और सिमिलरली यहाँ पे ये 21. तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि क्यूब रूट्स कैसे निकालने हैं? आज की क्लास में हमने सीखा कि क्यूब्स क्या है, क्यूब रूट्स क्या है, क्यूब और क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज क्या है. हम लोगों ने क्यूब रूट्स निकालने का मेथड देखा,